आगरा के खेरागढ़ से भाजपा ने भगवान सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया। आज भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन किया। वहीं लाइव टुडे से बात करते हुए कहा कि शिक्षा और चिकित्सा उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। भाजपा की नीतियों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। पार्टी ने खेरागढ़ से पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जी को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। उसके बाद वो आज नामांकन करने जा रहे हैं। क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र के लिए और किस तरीके से उनको सेंड कर रहे हैं? सर, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे खेरागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाने का काम किया। और खेरागढ़ विधानसभा से जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे दो बार लखनऊ विधानसभा में काम किया है और तीसरी बार लखनऊ विधानसभा भेजने का काम खेरागढ़ की जनता करने जा रही है। क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर आप द्वारा जाएंगे जनता के बीच? मुद्दे तो मेरा मुद्दा जो जीवन में मनुष्य में होता है, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। और जिस देश प्रदेश में ये चीज सुधर जाएगी, प्रदेश बहुत सामान्य विकास करता है। और उन्हीं को लेकर हम लोग आज जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब, दलित, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, हर वर्ग के, हर जाति, हर धर्म के लिए जो काम किया है। और इस प्रकार से उन्होंने महामारी कोरोना काल में इतना विशाल कोरोना वैक्सीन लगा करके काम करने काम किया है। और गरीब जनता के को फ्री राशन मुहैया कराने का काम किया है। और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय जो स्वच्छता दी है, आज कानून का राज है, उसको लेकर के हम लोग जनता भी जा रहे हैं। चूंकि आज हमारी बहन बेटियाँ और हर वर्ग का व्यक्ति स्वच्छ महसूस कर रहा है अपने आप को। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, जो आज नामांकन करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता की जो नीति है उसी के अनुसार वो जनता के बीच जा रहे हैं और पूर्ण समर्थन मिल रहा है। आगे से लगे थे आपको।